अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी, घर की भेदी आप हैं। हाँ मैं हूँ। खुशी से फूली नहीं समा रहे होगे ना तुम। आखिर पता लगा लिया ना तूने? खेल के इस दूसरे चरण में तुम जीत गई सुमित। उसके बाद तुम माँ बेटे के बीच नफरत पैदा करोगी, छीन लोगी मेरे बेटे को मुझसे। ये रिश्ता, ये प्यार, ये सब खत्म करना चाहती हो ना तुम? यही प्लान है ना तुम्हारा? ऐसे ऐसे दरारें पैदा करोगी तुम? पर मैं तुम्हें श्लोक को जाके सच नहीं बताने दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि श्लोक मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस करे। मैं तुम्हें उसकी नजरों में मान नहीं बनने दूंगी सुमित। उससे अच्छा है कि मैं जाके सच बताऊंगी उसे। कम से कम उसकी तकलीफ तो कम हो उसे। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप कितनी तकलीफ में होंगी। समझ सकती हूँ मैं। अपने परिवार के खिलाफ जाकर ऐसे घुट कर रहना आसान नहीं हुआ होगा। मम्मी जी, अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको नहीं समझेगा? हम सब जानते हैं आप अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। और अगर आपने ये कदम उठाया है तो इसके पीछे जरूर आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। जरूर शगुन ने आपको इतना मजबूर करके ब्लैकमेल किया होगा। आपके सामने और कोई रास्ता ही नहीं होगा। शगुन ने आपको चुना क्योंकि वो जानती है एक माँ की सबसे बड़ी ताकत और उसकी कमजोरी उसकी औलाद ही होती है। सीने पर इतना बड़ा पत्थर रखकर आप, मेरा दिल तो सोचकर भी रो रहा है। मम्मी जी, प्लीज प्लीज मुझसे वादा करिए कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, श्लोक को तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मा का साथ ज्यादा नहीं मिला मुझे, लेकिन जितना भी मिला है ना, मैं जानती हूँ माँ प्यार लुटाते हुए डांटते हुए अच्छी लगती है, शर्मिंदा होते हुए नहीं। आप फिकर मत करिए, अगर हम ये टास्क हार भी गए तो क्या हुआ? मैं वादा करती हूँ आपसे, I promise, हम ये गेम जरूर जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन है और अब तो मेरी ताकत भी दुगनी हो गई है। अब हम साथ जो हैं, है ना? माँ का आशीर्वाद साथ हो ना तो शगुन क्या, पूरी दुनिया से जीत सकती हूँ मैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, अपने जैसी हिम्मत दीजिए ताकि मैं शगुन का सामना कर सकूं।
गई? आप ही वो भेदी? क्या बात है आप? इतनी ज्यादा डिस्परेट थी कि टास्क टाइम से पहले ही कर लिया। मुझे अक्की से मिलना है। मिलोगी मिलोगी जरूर मिलोगी। टास्क जीतने के बाद अक्की तो तुम्हारा इनाम था, है ना? पर पहले ये तो बताओ कि घर का भेदी कौन है? ढूंढ लिया तुमने उसे? अगर ढूंढ लिया है तो अक्की का बॉम्ब डिफ्यूज कर देते। जाओ जाकर अक्की को लेकर आओ। अब उसका बॉम्ब भी डिफ्यूज कर देते हैं ना। आपने करा ये सब कुछ? हाँ जेठ जी, मैं वो घर की भेदी हूँ जो अपने ही परिवार के खिलाफ गई। क्यों, किस वास्ते? भेजा शगुन भाभी ने मेरे लिए। मतलब शगुन जानती है कि मैं विधवा हूं? अगर मैं शगुन भाभी की बात ना मानती ना तो वो श्लोक को ये सच्चाई बता देती। मतलब शगुन शुरू से जानती थी कि उस रात बस से सारे परिवार को बचाते हुए कैसे पता चलने दूं उसे कि उसके सर से बाप का साया हट चुका है? मैं कैसे बताऊं श्लोक को कि उसके पिता ने बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी? मेरा बेटा तो फिर से सदमे में चला जाएगा। इसलिए मैं आज तक विधवा होते हुए भी सदवा बनकर जी रही हूँ। याद है मेरे को छोटा सा श्लोक? भाई साहब की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाया था, उसे फिर से नॉर्मल जिंदगी देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी बात से डरती हूँ मैं जेठ जी कि शगुन भाभी श्लोक के सामने वो सच्चाई फिर से ना ला दे और मेरा बेटा फिर से वो। इसलिए मुझे शगुन भाभी की बात माननी पड़ी और ये सब करना पड़ा ताकि श्लोक से ये सच्चाई छुपी रहे। कौन सी बात छुपी रहे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।